अरिहंत डायग्नोस्टिक्स बीके कॉल नगर पंचोली चौराहे के पास अजमेर, जहां बहुत ही कम रेट्स पर उत्कृष्ट मशीनों द्वारा कंप्लीट बॉडी चेकअप मिलता है विद एक्यूरेट रिपोर्ट। कॉल 7976961097। जी है, जिनकी ये जमीन होने जा रही है, कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, कुर्की के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट की पालना सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन एक मानवता का अभी जो विषय चल रहा है वो यहाँ मानवता का चल रहा है। जो परिवार है चेतन, ये मेरे साथ में, इनकी मम्मी वो विधवा है और सिस्टर भी यहीं रहती है, इनके पिताजी नहीं है। अब ऐसा परिवार है, हालांकि हम मान रहे हैं, कोर्ट की पालना भी हम मान रहे हैं, नाजिर साहब भी आए हुए हैं, प्रशासन भी आया हुआ है, लेकिन हमारा ये कहना है जो पट्टा इशू हुआ है, रमेश जी के नाम से इशू हुआ है, रमेश जी ने कोर्ट जीता है, ठीक है जीता है, लेकिन ये है कि जो यहाँ तो ऐसी स्थिति पैदा करे कि यहाँ तो ये इनका मकान जो बना हुआ है उसका पैसा इनको दे दे, या फिर बाजार रेट का जो भाव है वो बाजार रेट का पैसा इनसे ले ले। अब बाजार रेट या टीचर कॉलोनी है, 15-16 हजार रुपए भाव है, रमेश जी कह रहे हैं 25 हजार रुपए के भाव से पैसा चाहिए, तो ऐसे करके कोई गरीब मार मत करो, ऐसा सॉल्यूशन करो कि इनकी बात भी रह जाए, जो परिवार है वो भी ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं, लोगों के लोगों से करिए, पुलिस प्रशासन से करिए, रमेश, हाँ लगभग डेढ़ करने की कोशिश करिए, तो क्या सामने आ रहा है, क्या लग रहा है? बस बात ये चल रही है, रमेश जी ये कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल तो ये जो कार्रवाई है होने दो, और उसके बाद में आप बाद में एग्रीमेंट करके और जो नए शर्तें लागू होगी उन नए एग्रीमेंट लागू करके और फिर हम इनको ये प्लॉट दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, लेकिन बात ये आ रही है कि वो यहाँ की रेट जो है 15-16 हजार, उस रेट को बता रहे हो 25 हजार, जो हर्जा खर्चा कोर्ट में लगा हुआ वो 2-4 लाख लगा हुआ, वो कह रहे 10 लाख रुपए लगे, तो कहीं ना कहीं ये एक वेरिएशन आ रहा है, ये झोल आ रहा है, और ये पार्टी जो है चेतन और चेतन का परिवार, ये 20 साल से लगभग यहाँ पे निवास कर रहा है, तो मामला तो पेचीदा है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है, ईश्वर है वो देख रहे हैं, और ईश्वर कोई ना कोई अच्छा हल निकालेंगे। यहाँ पे सभी कॉलोनी वासी, मोहल्ले वासी, इनके मित्र चेतन भैया के सब यहाँ आए हुए हैं, और रमेश जी भाई साहब भी मानवता के आधार पे कोई ना कोई उचित निर्णय लेंगे। हम रमेश जी भाई साहब, क्या था पूरा मामला? न्यायालय से आदेश हुआ है इसको खाली करने का, और दो बार पूर्व में भी आ चुके हम लोग, और आ गया था, और कोर्ट से इनको किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं है, न्यायालय ने ना जो डिग्री ऑर्डर के पक्ष में आदेश दिया था, और ये जजमेंट डेटर है नैना देवी, इनको खाली कर लेगा आगे। कैंसिल क्या कहना चाहेंगे, 11 बजे के आप आए हुए हैं, 12 बज चुकी है, एक घंटा हो चुका है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण को भी देखना पड़ता है, इन्होंने ना जो जबरदस्ती यहाँ पे शांति भंग करने का माहौल उत्पन्न कर रखा है, फिर भी काफी तसल्ली से किसी का हर्जाना नहीं हो, कोई जनहानि नहीं हो, किसी प्रकार का इनके सामान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उसका थोड़ा कर रहे हैं। नहीं, रिकवरी नहीं है, ये प्लॉट है, इस पर इन्होंने मकान बना लिया, प्लॉट रमेश चंद पारिक का था,